Hi everyone. Welcome to Study IQ. Good morning to all of you. Good morning at चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं आपको पता होगा हमने चैप्टर फिफ्थ आज डिस्कस करना है चार चैप्टर हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी इलेवंथ क्लास आज रॉक्स का चैप्टर पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आज हम रॉक्स का चैप्टर पढ़ेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स ठीक है तो हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई बार रॉक्स से क्वेश्चन निकल जाता है हमारा तो उसके बारे में हम बात करेंगे बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है बट हां मतलब क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता रहता है तो हमें नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए ठीक है क्योंकि मेरा एम सिर्फ एक ही है कि जब ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे आप लोगों को क्या होना चाहिए कॉन्फिडेंस ठीक है सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंस कि हां ज्योग्राफी तो ऐसा सब्जेक्ट होगा चाहे कुछ भी पूछा जाए आपके पंद्रह क्वेश्चन अठारह क्वेश्चन जो भी पूछता है सारे क्वेश्चन आप आराम से करके आओ ठीक है और देखिए जोग्राफी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जो बहुत ही मतलब आंसर ही ना कर पाए हम ऐसा बहुत रेयर होता है हालांकि एक पोर्शन आता है और वो पोर्शन होता है आपका मैपिंग का दैट आई विल कवर ठीक है मैं आपको कवर करूंगा वो कि मैपिंग को कैसे करना चाहिए और छोटी छोटी जो थो चीज़ें हैं ना इंपॉर्टेंट मैपिंग के लिए वो मैं आपको याद भी करवाऊंगा कि हमें देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या कंट्रीज़ हैं मेडिटेरियन सी से कौन सी कंट्री अपना बॉर्डर करती हैं ब्लैक सी से कौन सी कंट्री अपना बॉर्डर करती हैं तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं एग्जाम में आपको याद होता है आप आराम से आंसर कर सकते उसका लेकिन कई बार होता ही चीज़ ईजी है लेकिन हम उसको उतना एफर्ट नहीं दे पाते तो वो चीज़ें मैं करवाऊंगा आपकी तो मेरे हिसाब से जोग्राफी में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आराम से कोई दिक्कत नहीं है उसमें चलिए तो हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर जो भी आपकी डिस्कशन यहाँ पे होगी उसका आपको पी वगैरह जो है कपिल भारद्वाज ऑफिशियल पर मिल जाएगा ये मेरा टेलीग्राम चैनल होगा आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं वीडियो के लिंक्स होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगी सेकेंड अगर आप लोगों की कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है आप उनसे बात करना चाहते हैं आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप कपिल डॉट भारद्वाज ट्वेंटी ट्वेंटी टू इस्टा हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली मैसेज करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है बिल्कुल हम बात करेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हंड्रेड आई एस हंड्रेड प्रॉब्लम्स अगर हंड्रेड प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाता है मेरा विश्वास है कि वो सारे हंड्रेड के हंड्रेड लोग भी आई एस बन सकते हैं वो चाहे हंड्रेड 100 हो थाउजेंड हो टू थाउजेंड हो अगर प्रॉब्लम रिजोल्व होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ जो है वो काफी आसान हो जाती है हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिव एनर्जी आपको पता है कि वो कुछ भी करवा देती है, ठीक है? है को आगे बढ़ाते हैं। कि मिनरल्स एंड रोक्स के बारे में ठीक है मिनरल्स एंड रोक्स के बारे में तो देखिए पहले तो हम थोड़ा सा इस लेवल पर बात करते हैं कि बारे में हमने पढ़ा है हमने क्रस्ट मेंटल और कोर का पार्ट देखा है कि अर्थ को हम क्रस्ट मेंटल और कोर के पार्ट में डिवाइड करते हैं उसके बाद हमने देखा है कि अर्थ के इंटीरियर में लावा मौजूद होता है और वो लावा जो है वो अर्थ के सरफेस पे मूव ऑन करता है अब सवाल ये आता है कि अगर लावा इस तरीके से अर्थ के सरफेस पे मूव ऑन करता है तो पहला तो सवाल यही आएगा कि रीजन क्या है रीजन आपका एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर है ठीक है एक और चीज मैं बताना जो चाहूंगा थोड़ी देर में बताता हूं एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर ठीक है हीट ट्रांसफर होना या एनर्जी ट्रांसफर होना ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लावा क्या करता है आपका आउटपोर होकर सर्फेस पे आता है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो लावा सर्फेस पे पहुंचता है उसके अंदर काफी सारे डिफरेंट टाइप के काफी डिफरेंट टाइप के मेटल्स इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स और अदर मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो मैं गोल्ड की बात कर सकता हूँ मैं आयरन की बात कर सकता हूं मैं गोल्ड की बात कर सकता हूं मैं प्लेटिनम की बात कर सकता हूँ यूरेनियम की बात कर सकता हूँ ये काफ़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है इनकी अपनी एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है और वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमें क्या करना पड़ता है फिर एक्सप्लोर करना पड़ता है अर्थ के सर्फेस पे ताकि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हम क्या करें अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर सके तो आज हमारा टारगेट क्या रहेगा आज इस चैप्टर के थ्रू हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट है और वो एलिमेंट किस तरीके से फॉर्म होते हैं ठीक है बेसिक क्या होगा हमारा कि वो एलिमेंट किस तरीके से फॉर्म होते हैं कैसे हम उनको डिस्कवर कर, कर सकते हैं कैसे हम उसको ड्राइव कर सकते हैं कैसे हम उनको बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए ठीक है जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है छोटा नागपुर प्लेटो रीजन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है छोटा नागपुर प्लेटू रीजन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है रिगार्डिंग वॉट रिगार्डिंग मिनरल रिसोर्स ऐसे ही अभी यूरेनियम के रिसोर्सेज मिले हैं आपके राजस्थान रीजन में रिसेंटली थोरियम के रिसोर्सेज मिलते हैं हमें मोनोजाइट रिजर्व मिलते हैं 97 सेवन परसेंट मोनोजाइट केरला में डिपॉजिट है वर्ल्ड का तो ये सब क्या है बेसिकली ये सब चीजें हमारे मिनरल्स के अंदर आती हैं इंडिया में वॉलकैनो नहीं है इंडिया में देखो वॉलकैनोज तो हैं वॉलकैनोज की टाइप होती हैं डॉर्मेंट है एक्सटिंक्ट है एक्टिव वॉलकैनो है, है तो इंडिया के एक्टिव वॉलकैनोज की अगर बात करता हूँ तो वो भी है हमारा ठीक है ना बेरन आइलैंड जो है हमारा एक्टिव वोल्केनो भी है इंडिया के अंदर बट वो मेन लैंड टेरेटरी पर ना होकर हमारा क्या अंडमान निकोबार रीजन में है ठीक है बट वो एक्टिव वोल्केनो की बात करेंगे तो वो भी है इंडिया में एक्चुअली यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था जब हम ट्वेंटी uh, सेवनटीन में क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में एक्टिव वोल्केनो नहीं है ऐसा करके तो उसमें आंसर uh, रहेगा कि है हमारे यहाँ एक्टिव वोलकैनो है तो मिनरल्स और रोक्स मतलब हम ये देखेंगे क्योंकि ये रोक्स जो है आपका इन्हीं के थ्रू हमें क्या मिलते हैं मिनरल्स मिलते हैं भाई ऑब्वियसली जो आपका लावा लावाभार आता है डिपॉजिट होता है फिर बिल्कुल सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिपॉजिट होता है उसी से क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उनकी प्रॉपर्टीज भी टाइम के साथ में चेंज होती रहती है तो प्रॉपर्टी जैसे जैसे चेंज होती रहेगी तो फिर आपका क्या हो गया राजस्थान के सीकर में मिले हैं तो आपका क्या होगा प्रॉपर्टी जैसे जैसे चेंज होंगी तो हमारी रोक की अलग अलग टाइप होती है

जो अर्थ के इंटीरियर की बात करूं तो अर्थ के इंटीरियर में मेरे पास एलिमेंट होते हैं हॉट और मोल्टन फॉर्म में अर्थ के इंटीरियर में मेरे पास एलिमेंट कैसे होंगे हॉट और मोल्टन फॉर्म में होंगे अर्थ के आउटर पार्ट पे आएंगे तो ऑब्वियसली क्या हुआ है यहाँ पे कूलिंग होगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा और आपके आउटर लेयर के अंदर मटीरियल किस फॉर्म में होंगे सॉलिड फॉर्म में मटीरियल मिलते हैं नाइनटी जो आपका टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ की बात करूं तो वो आठ एलिमेंट से बना हुआ है ठीक है अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करता हूं तो 98 एट परसेंट जो अर्थक्रस्ट है आपका वो आठ एलिमेंट से बना हुआ है कौन से कौन से है? है। है, है। एलिमेंट है यहां देखिए ऑक्सीजन एक एलिमेंट है सिलिकॉन है एल्यूमिना है ये दोनों एलिमेंट है ये दोनों सिलिका और एल्यूमिना ठीक है ये सबसे ज्यादा है सिलिका और एल्यूमिना जो आपके सब्सटेंस हैं ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं ये दोनों सब्सटेंस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके क्रस्ट के फॉर्मेशन में तो इनके हिसाब से पूछा जाता है तो सियाल जो है इसीलिए बोलते हैं क्रस्ट किसका बना हुआ था सिलिका और एल्यूमिनियम का सियाल बोलते हैं इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना हुआ था सियाल का और आपका औशिनी क्रस्ट किसका बना हुआ था सीमा का दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम आज सिलिका के बारे में सिलिकॉन के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताऊंगा जिससे हमें काफी चीजें समझ आएंगी इसके अलावा आयरन होता है कैल्शियम रहेगा सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम सिलिका और मैग्नीशिया बनते हैं आपका ओशनिक पार्ट पे और सिलिका और एल्यूमिना बनते हैं आपके कॉन्टिनेंटल पार्ट पे ये डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है ठीक है ये डोमिनेटिंग आपके मिनरल सब्सटेंसेस होंगे इसके अंदर ठीक है इसके अलावा ये तो 98% कंट्रीब्यूशन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है 2% परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन तो कुछ और भी होगा ऑब्वियसली 2 परसेंट कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है टाइटेनियम हाइड्रोजन फॉस्फोरस मैग्नीज सल्फर कार्बन निकेल एंड अदर एलिमेंट ये आपका रिमेनिंग टू परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये जो आठ एलिमेंट हो गए आपके ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रहते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली बट आर यूजली कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट्स इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको जैसे कि क्या होता है स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी की बात आती है क्या होता है स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी आपने कुछ चीजें देखी होंगी जैसे स्टील है अपने घर पे जो ग्रिल लगी होती है ठीक है जो रेलिंग्स लगी होती हैं उनमें क्या होता है दो टाइप की चीजें होती है या तो स्टील की हो सकती है या फिर आयरन की हो सकती है लोहे की हो सकती है आपने काफी बार देखा होगा कि कई बार क्या होता है बारिश आती है कंटिन्यूस बारिश के बाद में रेलिंग हमारी खराब हो जाती है अगर वो आयरन की है तो वो जल्दी खराब हो जाती है स्टील की है तो ऐसा तो है नहीं कि वो खराब नहीं होगी लेकिन वो कम खराब होती है ऐसे ही अगर आप कोई भी ज्वेलरी पहनते हो तो ज्वेलरी में क्या आएगा अगर गोल्ड ज्वेलरी है आपकी ठीक है अगर आपकी ज्वेलरी क्या है गोल्ड ज्वेलरी है उस केस में क्या होगा उसकी शाइनिंग बड़े लंबे टाइम तक रहती है लेकिन अदर जो ज्वेलरीज हैं जैसे कि आपका सिल्वर है उसकी शाइनिंग कम टाइम के लिए रहती है क्यों रहता है ऐसा मतलब ऐसी एक्टिविटी ऐसा जो प्रॉपर्टी है ये चेंज इन प्रॉपर्टी क्यों देखने को मिलता है इसका मेन जो कारण होता है वो सिंपल सा एक ही कारण है एक्टिवनेस ठीक है मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट होती है कि एक एलिमेंट जो है जैसे कि मैंने गोल्ड बोला गोल्ड दूसरे नेचर में ऑक्सीजन भी है नेचर में मॉइस्चर भी है नेचर में अदर सब्सटेंसेस भी है आ, जो आपका गोल्ड है वो नेचर के अदर सब्सटेंस से कितना रिएक्ट करता है उसी के ऊपर उसकी क्या होगा उसकी शाइनिंग डिपेंड करेगी अगर वो ज्यादा रिएक्शन करेगा तो वो उसकी शाइनिंग जल्दी चली जाएगी रिएक्शन कम होगी तो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा जैसे कि Say, अगर मैं अपनी लाइफ इंडिविजुअली बात करूं तो मैं क्या सोचूंगा मैं अपनी इंडिविजुअल अननेसेसरली इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है तो उस केस में क्या होगा उस केस में ये होगा कि मेरी लाइफ में जो मैंने रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं मैं उनको ज्यादा वैल्यू दूंगा बजाय कि किसी और पर्सन के लेकिन लेट्स से आई एम लेस कॉन्फिडेंट ठीक है ऑन माई सेल्फ ऑन माई रूल्स ऑन माई हैबिट्स तो मैं क्या करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे के जो हैबिट्स हैं दूसरे के जो भी आपके सिचुएशंस हैं उनको मैं गेन करने की कोशिश करूंगा ठीक है उनको मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा तो अगेन वो मेरे पास में क्या होगा बेसिकली ये मुझे समझ आता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज को दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा अगर मेरे अंदर रिएक्टिव पावर ज्यादा है मतलब दूसरे से इन्फ्लुएंस होने की पावर है मेरे अंदर अगर मेरी खुद की पावर ही ज्यादा है मतलब आई एम स्टेबलाइज इनफ मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं बहुत स्टेबलाइज हूं और मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूं और इसी वे से अच्छा हो सकता है फिर मैं क्या करूँगा फिर मेरा एस्पेक्ट सिर्फ एक ही रहेगा कि मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला दिस इज सिंपल वे इसी तरीके से एक मेटल होती है मेटल अगर अपने आप में ये कंसिडर करे कि मैटर स्टेबलाइज है

हैं हैं कि कि हम ये लर्न करना शुरू करते हैं कि कैसे हमें अपने कैरेक्टर अर्थ के कृष्ण तो में कोई भी रेयरली एलिमेंट होता जो कि इस तरीके की रिएक्शन नहीं करता सब एलिमेंट दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो मतलब एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं आपके कंबाइंड फॉर्म में होंगे कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे अब बात आती है कि अगर वो कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये अच्छे हैं बुरे हैं मतलब हम उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे जैसे कि आयरन का डोमिनेंस ज्यादा होगा तो हम आयरन और का नाम दे देंगे उसको इस तरीके से होता है तो अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस एंड वेरियसिस आर मिनरल्स क्योंकि उनके अंदर क्या है आपकी जो मिनरल्स हैं आपके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन्होंने रिएक्ट तो कर लिया दूसरे के साथ लेकिन फिर भी उसके अंदर एलिमेंट तो है ना मिनरल्स दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अपर आर लिमिटेड एंड देर कंबाइंड मैनी डिफरेंट वेज टू मेक मेनी वेराइटी दीज आर एट लीस्ट टू थाउजेंड मिनरल्स ठीक है दैट है अर्थ क्रस्ट बट ऑलमोस्ट ऑल द कॉमनली अकरिंगेटेड टू दिक्कस मिनरल्स और ग्रुप्स रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जैसे कि यहां पे बोला हमने एट एलिमेंट्स हैं जो कि मेजरली 98 एट परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बट होता क्या है ये जो एट एलिमेंट्स हैं ये अपने आप को एक्सटेंड करते हैं ये अपने आप को एक्सटेंड करेंगे आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाएंगे इस प्रॉपर्टी के बदलाव की वजह से मोर देन टू थाउजेंड टाइप के मिनरल्स हमें मिलते हैं एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ देखिए जैसे मैं कार्बन की बात करता हूँ जब मैं कार्बन की बात करता हूँ तो मुझे कोल जो मिलता है कोल ठीक है कोल जो हम यूज करते हैं वो कार्बन का एक फॉर्म है लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक फॉर्म है डायमंड जो है वो भी एक ग्रे, 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 कार्बन का ही फॉर्म है अब देखिए आप एक ही एलिमेंट मेरे पास कार्बन था और उस कार्बन से ही मुझे क्या क्या मिल गया मुझे कार्बन से ही क्या मिल गया मुझे डायमंड मिल गया कार्बन से ही मुझे कोल मिल गया कार्बन से ही मुझे ग्रेफाइट मिल गया कार्बन से ही ठीक है तो ये बहुत सिंपल है मतलब क्या हो गया जैसे यार एक आप ये मानो ना यार अपनी लाइफ के अंदर एक इंडिविजुअल भी तो काफी सारे रोल प्ले करता है लेट्स से आई एम हेयर एज ए टीचर ठीक है किसी और प्लेस पे मैं अपने घर जाऊंगा तो वहां मैं टीचर तो नहीं करूंगा टीचिंग तो नहीं करने वाला ऑब्वियसली वहां पर मेरा कुछ और काम है ठीक है तो मेरे रिलेशन मैं हर एक जगह पर अलग अलग लेवल पे रोल प्ले कर रहा हूँ ना तो रोल प्ले करने का मतलब क्या हुआ बस ऐसा ही है क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और प्रॉपर्टी है, हो, हो जैसे डायमंड है आपका कोल है और आपका ग्रेफाइट है ठीक है तो ये चीजें आपको क्या सिखाती हैं कि आपका एक ही एलिमेंट काफी सारे मिनरल्स फॉर्म कर सकता है इसलिए हमारे पास 2000 से ज्यादा मिनरल्स हमें मिल जाते हैं ठीक है

इलेवेंथ जुलाई से एथम से आपकी वो क्लासेस हुआ करेंगी ठीक है अब क्या होगा उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो ये है कि इलेवेंथ जुलाई से आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी शुरू होगा जीरो से हम ज्योग्राफी को शुरू करेंगे और काफ़ी अच्छे एक्सटेंड तक लेके जाएंगे आप लोगों को भी पता है कि एन की जब हम बात करते हैं तो इतना सफिश तो नहीं है एन बेस बनाती हैं बिल्कुल नो no डाउट अच्छी भी है लेकिन कहीं लेवल पे जाके हमें एग्जाम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है थोड़ी सी नहीं कभी कभी ये ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो थोड़े स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं तो इसलिए जोग्रफी दैट विल बी कवर्ड बाई मी आपका इलेवंथ जुलाई एट ए से स्टार्ट होगा ठीक है आपका ये लाइव फाउंडेशन बैच होगा जैसे अभी हम लाइव बात कर रहे हैं अब तो आप मेरे कमेंट में आपके कमेंट देख पा रहा हूं यहां पे एक और प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट जो है वो क्या होगी कि आप लोग मुझसे बात कर पाओगे डायरेक्टली आपके हाथ में भी एक माइक होगा और आप लोग जो भी डाउट होगा आप मुझसे डायरेक्टली पूछ पाओगे ये प्रॉपर्टी होगी इसकी अभी का कंपनी प्राइस क्या होगा ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का प्राइस है आप इस पे परचेज नहीं करेंगे कपिल लाइव का कोड आप यूज़ करके एटीन ट्रिपल नाइन में इसको परचेज करेंगे ठीक है आपको क्या करना है वो एटीन ट्रिपल नाइन में ही परचेज करना है लेट मी शो यू इट वंस अब यहां देखेंगे तो एक बार जाएंगे वेबसाइट पे जाएंगे लाइव फाउंडेशन कोर्स मिलेगा बाय नाउ का ऑप्शन क्लिक करेंगे ठीक है बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या हुआ है प्रोमो कोड्स आए हुए हैं आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे यहां पे प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हैं ठीक है कपिल लाइव कपिल लाइव ठीक है अप्लाई करेंगे अभी कोर्स कितना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई करेंगे तो आपको एटीन ट्रिपल नाइन में मिल जाएगा सिंपल है आप कर सकते हैं उसको तो आप बेसिक फाउंडेशन जो कोर्स है आपका वो जरूर आप क्या कब से हो रहा है इलेवंथ जुलाई से हो रहा है ये चीज़ आप याद रखें चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे मिनरल्स की तरफ ही तो हम बात कर रहे थे कि अलग अलग मिनरल्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है ठीक है अलग अलग मिनरल्स की अपनी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। डोंट टेक टेंशन साहिल आपकी एनसीआरटीज बढ़िया से पूरी करवाऊंगा मैं ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है एनसीआरटीज हम यहां पे जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें हाँ तो क्या होगा अब आपका यस उस पर भी आएंगे हरीश ने बोला है कि वेराइटी ऑफ एलिमेंट इट में भी बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बिल्कुल होता है देखिए हम अपनी ह्यूमन भी तो प्रेशर हमारे ऊपर गिरता हम अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं यहां पे भी होगा और यही रोक साइकिल होता है एक्चुअली जो प्रेशर और टेम्परेचर का सिस्टम होता है ना इसी को रोक साइकिल बोलते हैं तो वो रोक साइकिल यहां से आता है द बेसिक सोर्स ऑल मिनरल्स का क्या होगा होट मैग्मा जो नीचे से लावा निकल के आता है देखिए एक और डिफरेंस आप बताइए लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है आप बता पाएंगे मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है देखिए ये टेक्निकल वर्ड जो है वो काफी ज्यादा यूज होते हैं हमारे एग्जाम में मैग्मा का क्या मतलब होता है जब तक वो आपका लिक्विड जो फॉर्म है ना जो अर्थ के अंदर मुझे लिक्विड फॉर्म मिलती है वो अगर इनसाइड दी अर्थ है ना इनसाइड तो वो मैग्मा कहला रही है जब वो आपका कन्वेक्शन होगा और जब वो सरफेस पे आ जाएगी तो उस टाइम पे ये क्या कहलाएगा ऑन सरफेस लावा कहलाएगा लिक्विड वही है वही आपका मोल्टन फॉर्म है वही आपके मटेरियल है लेकिन क्या हो रहा है आपका जब वो मेल्टिंग फॉर्म में है जब वो आपका इनसाइड दी अर्थ है तो उस केस में क्या होगा आपका इनसाइड दी अर्थ होगा तो वो क्या कहलाएगा मैग्मा कहलाएगा जब वो आउटसाइड दी अर्थ होगा तो उस केस में वो क्या कहलाएगा आपका लावा कहलाएगा तो सिंपल है हम समझ सकते हैं इस चीज को कि ये मैग्मा कैसे होगा और आपका लावा किस तरीके से फॉर्म होता है ठीक है आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल सही बात है लावा जो है आपका आउटसाइड में होता है और आपका जो मैग्मा होगा वो आपका इनसाइड साइड होता है लावा आउटसाइड करेक्टर होगा और मैग्मा आपका क्या होगा इनसाइड साइड होगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के आप लोगों को बिल्कुल पता है और ये छोटी छोटी चीजें ना आपके आंसर में पूछी जाती हैं।

क्या ये इनसाइड दी अर्थ कूल हो सकता है नहीं हो सकता यस yes या नो no आपको बताना है क्या जो मैग्मा मेरे पास है वो मैग्मा इनसाइड दी अर्थ कूल हो सकता है या नहीं हो सकता है इनसाइड दी अर्थ कूल हो सकता है या नहीं बिल्कुल होगा ठीक है आपका क्या होगा इनसाइड दी अर्थ जो है वो कूल होगा इनसाइड दी अर्थ लावा अगर कूल cool डाउन होता है तो उस केस में क्या होगा फिर आपका इनसाइड दी अर्थ जो लावा कूल डाउन होगा वो क्या करेगा इसी को तो हम क्या करते हैं एक्सप्लोरेशन करते हैं ना डिगिंग करते हैं माइनिंग करते हैं तो वो सब क्या होगा आपका माइनिंग करना मतलब लावा जो हो इनसाइड कूल डाउन हो गया अब इनसाइड कूल डाउन हुआ तो हम माइनिंग करके निकाल लेंगे उसको कुछ सरफेस पे आ जाता तो ठीक है सरफेस पे मिल जाता जैसे मैं कल आपको एविडेंसेस पढ़ा रहा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आपको याद है हमने बात की थी कि सेडिमेंट्री रोक्स जो है वो क्या करती है वो आपका ये बताती है कि यहाँ पे हो सकता है गोल्ड डिपोजिट मिल जाए और इसलिए मेरे पास क्या होता है घाना में गोल्ड डिपोजिट मिलते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स मुझे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में देखने को मिलती हैं, देखा था ना हमने तो ये कैसे हुआ ये ठीक है भाई आपका ऊपर आ गया है आपका लावा ऊपर आ गया तो इंट्रूजिव इंट्रूजिव यस रॉक्स जो होंगी इनसाइड दी अर्थ होती हैं वो भी बन जाती है तो मिनरल्स कहीं भी मिल सकते हैं आपके आउटसाइड और इनसाइड भी साहिल ने पूछा, नहीं, ने पूछा है सर व्हाट अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी फाउंडेशन बैच जो आपका लाइव फाउंडेशन बैच है अगर मैं आपको लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में जो आप बात कर रहे हो उसमें देखिए आपको क्या कवरेज होगा बेसिकली प्री मीनस मेंटोरशिप करंट अफेयर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स रिविजन मतलब रिविजन जो है क्योंकि रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस तो रिविजन क्रैश कोर्स जो आपके प्रोलिम्स के पास में होगा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कवर होती हैं वैसे मैं आपको डिटेल बता दूंगा बट हां यहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एक कवर नहीं होता उसका एक कारण ये भी है कि आपको पता देखिए ऑप्शनल सबका अपना अलग अलग होता है वो तीजी डिसाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बट ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शनल हम नहीं पढ़ाएंगे ठीक है बिल्कुल स्टडी आई क्यू ऑलवेज यू आपको ऑप्शनल जो है वो आप जैसे ही चूज करेंगे कुछ भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस मिलेगी और आपको जो भी आपका ऑप्शनल uh, होगा उस बैच को आप जब वो बैच शुरू होगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है एक कॉम्प्रीहेंसिव आपकी प्रिपरेशन होगी बट हाँ इस कोर्स में आपका यही फीचर है डॉन है इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होगा सी सेट भी इसका कवर है किसी को डाउट आता है सी सेट का तो सी सेट भी इसमें ही कवर्ड है ठीक है तो ये सारी चीजें आपके इसमें आएंगी आंसर राइटिंग सी सेट होगा हिमांशु बिल्कुल होगा सी सेट ठीक है हिमांशु सी सेट होगा बिल्कुल होगा सी सेट को हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते मतलब ही नहीं बनता सी सेट को नेग्लेक्ट करें सी सेट होगा यहाँ पे ठीक है और आपका आ, टेस्ट सीरीज भी होगी रिवीजन के लिए एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस आपका वीकली टेस्ट भी होंगे ठीक है और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी रहेगी आपकी मेंस आंसर राइटिंग ठीक है ये सब चीजें आपके इसमें आ जाएंगी ठीक है हाँ वो आपको सी सेट आपको क्या होगा आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा हर एक वीकली आपका टेस्ट बिल्कुल होगा देखिए एक तो आपको क्या होगा एमसीक्यूज मिलेंगे आपको ठीक है डेली जैसे आज आज मैंने एक लेक्चर लिया ठीक है एक लेक्चर मैंने आज ले लिया तो एक लेक्चर जैसे आज हम दो तीन एमसीक्यू डिस्कस करते हैं वो तो एनसीईआरटी में कम बन पाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा एक लेक्चर मैंने आपको डिस्कस किया तो लेक्चर से जो एमसीक्यूज मिलेंगे वो तो आपको सेम डे मिल जाएंगे फिर क्या होगा ऐसा करते करते वीक में आपकी छह क्लासेस हुई मंडे टू सैटरडे ठीक है अब क्या होगा संडे आएगा तब तब आपके पूरे वीक में में जो हमने पढ़ा है उसके टेस्ट हो जाएगा ताकि आपको डबल प्रैक्टिस देखने को मिले फिर क्या होगा फिर आपको अलग से एक टेस्ट सीरीज मिलेगी उसका पूरा शेड्यूल होगा तो वो फुल लेंथ टेस्ट में आ जाएगा ठीक है वो क्या होगा वो आपके फुल लेंथ टेस्ट में आ जाएगा तो इस तरीके से आपको ये चीज देखने को मिलती है कि फुल लेंथ टेस्ट भी यहां आपको मिल जाएंगे और आपको रिविजन भी मिलेगा ठीक है ये होता है इंट्रूसिव लावा पूरी ने पूछा व्हाट इज द लावा दैट रिमेंस इनसाइड रिमेंस इनसाइड इंट्रूसिव लावा इंट्रूसिव ठीक है वो इंट्रूसिव होते हैं आपके फीचर्स ठीक है एक होता है एक्सक्लूसिव एक होता है इंट्रूजिव तो इंट्रूजिव मतलब इनसाइड दिया और एक्सक्लूसिव मतलब आउटसाइड दिया ठीक है तो आई होप आप समझ गए होंगे तो चलिए आगे बात करते हैं तो इन्हीं की फॉर्म में हमें जो आपका कोल मिलता है पेट्रोल मिलता है नेचुरल गैसेस मिलती हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलते हैं ये सब जो आपको मिलते हैं ये क्या होगा आपको ये बेसिकली यहां पे आपको देखने को मिलता है कि यही चीजें आपको क्या मिलती हैं मिनरल्स की फॉर्म में डिपोजिशन में मिल जाती हैं ठीक है मिनरल्स की फॉर्म में आपको डिपोजिशन में ये चीजें मिल जाती हैं क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड आप समझ गए होंगे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं सर विल दिस बैच बी बेनिफिशियल फॉर अ स्टूडेंट हु वेरी दिस ईयर बिल्कुल देखो क्या होगा यार कि होता क्या है अर्ली स्टार्ट अगेन मैं कहूंगा हाफ वे डन क्योंकि हम जीरो बेसिक से शुरू करेंगे और आपके आगे तक एक्सटेंड करेंगे मैक्सिमम प्रिपरेशन आपका क्या होगा 18 मंथ तक तो क्या चलता रहेगा आपका 18 मंथ तक तो आपका बैच बिल्कुल चलता रहेगा क्योंकि सिलेबस तो ठीक है पूरा हो रहा है आपका उस टाइम पे ही लेकिन क्या हुआ आपकी वैलिडिटी एटीन मंथ तक की है तो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो करने वाले क्योंकि आप फर्स्ट ईयर तो कर ही जाएंगे इस टाइम पे सेकंड ईयर में आप क्या करेंगे अगेन आप एक रिवीजन प्रोस्पेक्टिव यूज करेंगे फाइनल ईयर में आप बहुत बढ़िया से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यू कैन बिकम आई ठीक है यू कैन बिकम आई वे नहीं नहीं सेम क्वेश्चन नहीं यार सेम क्वेश्चन के करने का क्या मतलब होगा नेचर यार आप जो वीकली आपका वीकेंड पे टेस्ट होगा ना उसमें ऑल टूगेदर अलग क्वेश्चन मिलेंगे सेम क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है ना भाई सेम जो आपको पर डे डे पर डे पे मान लो मैंने आपको दस या पंद्रह क्वेश्चन दे दिए ठीक है जो भी आपका चैप्टर होगा जितना भी आपका बनेगा तो बढ़िया चीज़ें मैंने टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन आपको दिए पर डे अब ऐसा करते करते आपने वीक तक नाइनटी टू हंड्रेड क्वेश्चन कर लिए क्योंकि छह दिन में हम क्लास करते रहेंगे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे अब पे वीकेंड पे आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे ये क्वेश्चन करने का क्या मतलब बनेगा ये तो आपको याद है ये तो कई बार क्या होता है हमें आंसर याद हो जाता है कि इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर है कई बार हमें कॉन्सेप्ट समझ आए ना आए आंसर याद हो जाता है ऐसे नहीं होगा यहां पे ऑल टुगेदर एक अलग टाइप का आपका टेस्ट बनेगा ठीक है वो जो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होंगे यूज अब आपको अपना एनालिसिस करना है कि आप फिर से नए क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेश क्वेश्चन ठीक है उसमें ये चीजें नहीं होंगी कि यही वाली चीज दोबारा से आएगी नो no. तो वो तो बेनिफिट ही नहीं देगा फिर हमें ठीक है वो ऑल एक नया सिस्टम होगा ठीक है तो यह चीज होगी पे चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ तो देखिए क्या करते हैं हम पेट्रोल है आपका नेचुरल गैसेस है और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है है ये सारे क्या मेरे को मिनरल्स की फॉर्म में ही इनसाइड द अर्थ मिलते हैं ये सारे मुझे क्या होंगे मिनरल्स की फॉर्म में ही इनसाइड साइड दी अर्थ मिलेंगे हाँ बिल्कुल करंट अफेयर का कॉम्बिनेशन क्योंकि आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा था कि डेली करंट अफेयर आपको इसमें मिल ही रहे हैं आपको डेली करंट अफेयर मिलेंगे यहां पे ठीक है आपको फाइव टू सिक्स पेजेस डेली करंट अफेयर के मिलेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो ये भी इस टेस्ट में इंक्लूड होगा वीकली के अंदर ठीक है तो ये क्या होगा एक कॉम्बिनेशन होगा आपका किसका आपके सब्जेक्ट का भी और करंट अफेयर का भी ये होगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अब क्या होगा अ्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द इंपोर्टेंट मिनरल्स इन टर्म्स ऑफ देर नेचर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी गिवन बी लो अब देखते हैं हम कि अलग 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 बेसिकली प्रोस्पेक्टिव से हमारे अलग अलग मिनरल्स कैसे बनते हैं जैसे कि भाई बात है अलग अलग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जब हम करेंगे इसको तो फिर जब टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर हाई होगा प्रॉपर्टीज तो बदलेंगी ना जब प्रॉपर्टीज बदलेंगी तो मैं देखता हूं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं ठीक है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं ठीक है देखते हैं अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा सबसे पहला कैरेक्टर एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म ठीक है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म ठीक है आपको पता है कि देखिए क्या होता है दो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मिनरल की दो प्रॉपर्टी होती है एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी से ऐसे होगा कि बाय अपियरेंस हम उसको हार्ड है ब्रिटल है शाइनिंग है डल है ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी लिक्विड है सॉलिड है ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टी अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी पे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वॉटर गिरा क्या रिएक्शन होगी जैसे आयरन है पानी गिरते हैं जंग लग जाता है ना रस्टिंग होती है ना वो क्या है केमिकल प्रॉपर्टी है तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टर कैसे चेंज होंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी ठीक है पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं ठीक है

अगर ये मटेरियल सॉलिड है तो आपको भी पता ना उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉम्पैक्ट होंगे बहुत ज्यादा जुड़े हुए होंगे होंगे ना कोई भी मॉलिक्यूल अगर सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होंगे अब ज्यादा जुड़े हुए अगर कोई पार्टिकल्स हैं तो सिंपल सी बात है मुझे पता लगा कि वो सॉलिड है थोड़े से लूज है लिक्विड हो गया और लूज है गैसेज हो गई ऐसे ही इसका होता है अरेंजमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं एक एक एटम आपको सबको एटम तो पता ही होगा ठीक है ना आप सबको एटम तो पता ही होगा जब एटम की बात आती है तो एक एटम दूसरा एटम थ्री थ्री फोर एटम अगर मान लो ये चार एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं एक स्टेट बन गई पांच एटम बन जाए छह एटम बन जाए दस एटम एक दस साथ कंबाइन होकर एक, एक एलिमेंट बनाए तो अलग अलग टाइप के एटम्स जब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बदल जाएगा जो कार्बन की एग्जाम्पल में दे रहा था ना

जो आपका ग्रेफाइट हो गया सॉफ्ट ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की वजह कोल की बात करता हूं तो कोल ऐसा हो जाता है कि कोल को हम क्या करते हैं थोड़ा सा कम, ना तो हार्ड है ना सॉफ्ट है वो कोल आ गया तो मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी मुझे यहां पर देखने को मिली है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं क्लीवेज की बात करते हैं क्लीवेज में क्या होगा टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली

ये क्या होगा आपका इरेगुलर शेप में भी टूट तू सकता है और ये आपका कॉन्टिन्यूस एक मॉलिक्यूल की शेप में भी टूट सकता है बिल्कुल एक रिजिड शेप में भी तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर एलिमेंट का कैसा है अगर हम जैसे ग्लास को तोड़ते हैं हम जैसे ग्लास को तोड़ेंगे बिल्कुल स्ट्रेट या बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फिनिश फॉर्म में टूटता है इरेगुलर्टीज नहीं बचती उसमें लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट को तोड़ूं तो उसमें इरेगुलरटीज बचेंगी ठीक है जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको पनीर लेके आए आप अपने घर आपने नाइफ से पनीर को कट किया आपको क्या लगता है कितना स्मूथ कट होगा वो नहीं हो पाएगा ज्यादा ठीक है ज्यादा स्मूथ नहीं हो पाएगा लेकिन आगे बात करते हैं ये क्या डाउट आ रहा है भाई योगेश का डाउट है सर डीएचएफएल हजार करोड़ का स्कैम हुआ है रिसेंटली उस पर डिटेल में समझाएं यार वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक होगा हम उसको कवर करेंगे लेकिन वो एक सेपरेट उसके अंदर कवर करेंगे ना जोग्राफी क्लास तो हम उस उसपे बात करेंगे फिर बात बात करते करते हैं हैं उस पे कभी करेंगे ठीक है हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पे, तो तो क्या क्या होगा एक तो आपका हुआ पनीर आपने काटा यूनिफॉर्म कट गया ठीक है अब यूनिफॉर्म कटा है या नॉन यूनिफॉर्म ये डिपेंड करता है ना उसका स्ट्रक्चर खुद का कैसा है कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप कट डाउन करते हैं, बहुत ही यूनिफॉर्म एप्पल को काटो पनीर को काटो उसके अंदर सरफेस का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है तो यहाँ पे आपका क्या है क्लीवेज भी डिपेंड करेगा फ्रैक्चर फ्रैक्चर का क्या होगा इंटरनल मोलिकुलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स दैट नो प्लेन्स ऑफ द मोलिक्यूल इन टू इरेगुलर मैनर नॉट अलॉन्ग ऑल द प्लेन्स ऑफ क्लीवेज फ्रैक्चर में क्या होगा जैसे हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें भी फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है आपका काफी ज्यादा चांसेस होते हैं जॉइंट के ऊपर फ्रैक्चर होता है मतलब क्या होगा कोई भी मोलिक्यूल जहां से वीक है ना वहां से फ्रैक्चर आउट होता है लस्टर क्या होता है लस्टर क्या होता है अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल विदाउट रिगार्ड ऑफ द कलर ईच मिनरल हैज डिस्टिंक्टिव लस्टर लाइक मेटलिक सिल्की ग्लोसी एक्सेट्रा शाइनिंग है या नहीं है ऑल टुगेदर क्या कहना चाहता है लस्टर से कि अपीयरेंस मटेरियल की कैसी है कुछ मटेरियल काफी शाइनिंग होते हैं कुछ मटेरियल काफी डल होते हैं ठीक है कुछ मटेरियल काफी शाइनिंग होते हैं कुछ मटेरियल क्या होते हैं काफी डल होते हैं ठीक तो है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी तो है अपीयरेंस में कैसा हो रहा या तो है या तो डल है या शाइनिंग है तो आपका क्या होगा बेसिकली अपी से ही बात कर सकते हैं हम इसकी ठीक है चलिए कलर की बात करें तो सम मिनरल्स हैव ऑफ कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूल्स जैसे कि मैलाजाइट है एजोराइट है क्लोरोपाइराइट है क्योंकि देखिए क्या होगा अब जैसे आपको पता है कि हम डाइंग डाइंग करते हैं जब कलर किया जाता है किसी क्लोथ को तो अलग अलग टाइप की डाई ऐड की जाती है तो मिनरल तो के बारे में तो वो सॉइल क्या होगी रेड कलर की होगी थोड़ा सा कम आयरन है तो सॉइल येलो कलर की होगी और अगर आयरन नहीं है तो ब्राउन कलर की होगी ये फिजिकल प्रॉपर्टी कलर की डिटरमाइन हुई या नहीं मिनरल से आयरन एक मिनरल हो गया और क्या होता है आपका रेड येलो और ब्राउन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ज्यादा है कम है बहुत कम है ठीक है ना तो सिस्टम ऐसे ही होगा आपका बिल्कुल करेंगे करेंगे सारी डोंट टेक टेंशन बी कूल चलिए अब की बात करते हैं तो कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल्स इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज द मिनरल्स और मे बी डिफर हाँ क्या होता है जैसे देखिए क्या होगा जैसे कि आपके पास एक मिनरल है ठीक है आपने क्या किया उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ठीक है आपने उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अब कई बार क्या होता है ये आपके स्ट्रीट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब पाउडर में कन्वर्ट करते हैं ना तो कई बार वो पाउडर का कलर आपके जो मेटल्स हैं आपके जो मिनरल्स हैं उससे मैच करता है और कई बार ओल्ड टूगेदर आपका कलर अलग होता है कई बार मिनरल के कलर से मैच करेगा कई बार ओल्ड टूगेदर कलर अलग होगा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आपको वीट का एग्जाम्पल देता हूं वीट ठीक है वीट आप देखिए सबने वीट को देखा है जब वीट का हम फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं तो वीट होता है ब्राउन इस कलर में और जो फ्लोर होता है ना वो होता है व्हाइट कलर में आटा जो आता है वो आता है वाइट कलर में व्हीट होता है ब्राउन कलर में अब ये कलर कैसे चेंज हो गया हाँ हाँ बेसिक से एनसीआर भी कवर होंगी जो आपकी एक्चुअली क्या होगा इसमें फिर से ये डाउट आ रहा है आपको कि देखिए क्या है यार उसमें आपको जो हैंड मिलने वाले है ना क्लास नोट्स रिटर्न हैंड नोट्स और आपको हैंड जो मिलेंगे उसमें एनसीआर भी कवर होंगी ठीक है उसमें एनसीआर आएंगी वो सारी चीजें एक्सप्लेन की जो बना है, आटा जो बना है, वो व्हाइट कलर का है तो कलर चेंज हो गया ना तो यहां पे यही बात आती है कि स्ट्रिक जो है उसका मतलब कि या ग्राउंड पाउडर जब करेंगे हम उसको ग्राइंड करेंगे जब हम तो उसका कलर जो है वो चेंज होकर सेम ही आता है मतलब पाउडर का कलर और मेटल का या मिनरल का कलर सेम था या अलग था वो डिपेंड करता है इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पर्टिकुलर है? ऑफ़ है? है, है. अच्छा, दोनों डिफरेंस बताओ सेंड और क्ले में क्या डिफरेंस होता है सेंड और क्ले में क्या डिफरेंस होता है ठीक है सेंड और क्ले में क्या डिफरेंस रहेगा कोई भी एनीवन सैंड और क्ले में क्या डिफरेंस होता है देखिए सैंड होते हैं लार्ज पार्टिकल लार्ज पार्टिकल क्ले होता है स्मॉल पार्टिकल सैंड होता है लार्ज पार्टिकल और क्ले होते हैं स्मॉल पार्टिकल ठीक है छोटे छोटे पार्टिकल होंगे बहुत फाइन पार्टिकल हैं, तो वो क्लेली पार्टिकल होते हैं और अगर लार्ज पार्टिकल्स हैं मिट्टी के लार्ज पार्टिकल है वो सेंड पार्टिकल कहलाते हैं तो मतलब क्या हुआ आपके स्ट्रक्चर में चेंज आया ना वही मटेरियल है लेकिन उसके पार्टिकल का साइज यहां पे बदल रहा है है ठीक आपका क्या होगा वो वो साइज साइज जो है है चेंज चेंज हो रहा तो के होने की वजह से क्या होता है आपका करेक्टर चेंज हो जाता है हार्डनेस की बात कर लेते हैं तो हार्डनेस तो मुझे पता ही लग गया मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिया कि आपका कार्बन से ही ग्रेफाइड जो बना कार्बन से जो ग्रेफाइड बना था उसको तो मैं नाइफ से काट सकता था लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं किसकी आपकी कार्बन से डायमंड जब बना तो इतना हार्ड है कि उसको किसी चीज को काटने के लिए यूज किया जाए हार्डेस्ट मटीरियल होता है डायमंड मोस्ट हार्डेस्ट मटीरियल तो आप देखो ना डिफरेंस आया नहीं आया तो हार्डनेस में भी चेंज आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होता है द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हाँ ये स्मूथ इसीलिए होता है क्ले क्ले का कह रहे हैं स्मूथ होता है स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं आप क्ले को सुखा लो उसको मुट्ठी में भरो आपको दिखेंगे उसके पार्टिकल सैंड को उठाओ उसको मुठ्ठी में भरो, आपको पार्टिकल अलग से दिख जाएंगे साइज का पार्टिकल का बहुत फर्क होता है उनमें

मेटलिक मिनरल्स होंगे और नॉन मेटलिक मिनरल्स होंगे दो होगा ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल का कंटेंट ज्यादा है वो मेटलिक होंगे एंड कैन बी सब डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स ठीक है मेटलिक हैं लेकिन उनको भी तीन पार्ट में हम सब डिवाइड कर सकते हैं कौन से थ्री पार्ट्स होंगे एक तो प्रीसियस मेटल जैसे कि गोल्ड है सिल्वर है प्लेटिनम है सली हम क्या कर सकते हैं मेटलिक तो है ठीक है उनमें मेटल है लेकिन मेटल भी तो अलग अलग टाइप की होती है आयरन भी एक मेटल है और आपका गोल्ड भी एक मेटल है आयरन की मेटल का तो आपने ग्रिल लगा दिया गेट लगा दिया कल को कोई उतार ले जाए कोई दिक्कत नहीं है आप एक दिन गोल्ड का गेट लगा के देख लो ठीक है अगले दिन गेट तो क्या आप भी नहीं मिलोगे ठीक है Obviously, बात है तो क्या हो गया सप्लाई डिमांड है है अगर ज्यादा है होंगी। metal, जिसमें, याद रखना, हो गया ना, वो वो वाले मेटल्स होंगे वो वाले मिनरल्स होंगे जिनमें क्या होता है आपका आयरन होता है फेरस मतलब आयरन ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा आयरन और अदर मेटल्स मिक्स होकर रहते हैं ठीक है आयरन का होना बहुत जरूरी है और तीसरी कैटेगरी होती है नॉन फेरस मेटल मतलब इनमें

ठीक है ये सब क्या होंगे नॉन मेटलिक जैसे भी कार्बन है ठीक है कार्बन से कोल बनता है ठीक है तो ये आपका नॉन मेटलिक है, है नॉन मेटलिक तो इस टाइप से आपके नॉन मेटलिक एलिमेंट वो होंगे जिनमें मेटल नहीं होता है ठीक है पेट्रोल है वो भी एक आपका मिनरल है क्या है आपका नॉन मेटलिक है तो मेटलिक वो होंगे जिनके अंदर मेटल होता है मेटलिक को हमने तीन पार्ट में प्रीसियस फेरस नॉन फेरस नॉन मेटलिक वो होंगे जिनमें मेटल नहीं होता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं रोक्स की बात करते हैं ठीक है अब हम रोक्स के ऊपर आ जाते हैं ठीक है गॉड ब्लेस यू यार आई वॉन्ट फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट दैट यू ऑल पीपल मस्ट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ मस्ट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ जो आप अचीव करना चाहते हैं दट इज प्रे फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट कि आप लोग वो बने ठीक है तो एट वॉज दस्ट एग्जाम्पल ठीक है ना और गोल्ड मत खरीदना ठीक है इतना पैसा आए डोंट बाय द गोल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वी केम टू नो कि इससे हमारी इकोनमी के अंदर काफी नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं गोल्ड के ठीक है डेड एसेट की फॉर्म में क्रिएट होता है गोल्ड इसलिए गोल्ड मत परचेज करना हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटीज हैं इन्वेस्टमेंट्स जो आपके बॉन्ड्स आते हैं डिबेंचर्स आते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना वजह कि गोल्ड खरीदने के आपका पैसा भी बढ़ेगा और हमारा जो है कंट्री का भी नुकसान नहीं होगा चलिए आगे बात करते हैं आप, गो, आप वो परचेज कर सकते हैं फिर ठीक है ना जो गोल्ड के आपके आजकल तो गोल्ड पेपर आ रहे हैं ना वो परचेज कर सकते हैं क्रस्ट इज कंपोज चलिए रॉक्स की बात करते हैं जब मैं रॉक की बात करता हूं ना रॉक का सिंपल सा मीनिंग होता है एक से ज्यादा टाइप के मिनरल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं ना एक प्लेस पे जैसे छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है वो एक रॉकी रीजन है उसमें काफी सारे रॉक्स मिलते हैं हमें क्यों मिलते हैं क्योंकि आप में आपने देखा होगा काफी सारे रॉक्स के ऐसे पार्टिकल है जो

चलिए आगे बात करते हैं तो रॉक्स क्या होंगे रॉक्स ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो काफी सारे मिनरल्स को कंपोज करके रखते हैं एक साथ काफी सारे मिनरल्स जब मिल जाते हैं तो आपका क्या बनते हैं रॉक्स बनते हैं रॉक्स हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं क्योंकि हमने देखा कुछ मटीरियल ऐसे थे जो कि काफी सॉफ्ट थे कुछ मटीरियल ऐसे थे जो हार्ड थे तो ये डिपेंड करता है ना कि कितने ज्यादा कौन सा मेटीरियल डोमिनेटिंग है हार्ड वाले मटीरियल डोमिनेटिंग है तो रॉक्स हार्ड होंगे और सॉफ्ट वाले तो सॉफ्ट होंगे एंड वेरिड कलर में भी करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा काफी सारे रॉक ऐसे होते हैं जो बहुत ही ब्राउनिश कलर के होते हैं कुछ रॉक्स ब्लैक कलर के भी होते हैं ठीक है तो क्या होगा आपका एग्जाम बेसिकली क्या होता है आपका ब्लैक कलर भी हो सकता है ब्राउन कलर भी हो सकता है अदर डार्क कलर भी हो सकता है तो रॉक जो है वो क्या करेंगे आपका कलर में वेरी करती है एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेनाइट जो है वो हार्ड होता है ग्रेनाइट रॉक्स हार्ड होंगे स्टोन सॉफ्ट होते हैं गैब्रो रोक्स वो ब्लैक कलर में होते हैं क्वाराइट की बात करते हैं तो वो मिल्की व्हाइट कलर में होते हैं तो अलग अलग टाइप के रोक्स हो गए इसके ऊपर अलग अलग टाइप का क्या आ रहा है आपके मिनरल्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑल टूगेदर चेंज हो रही है रोक्स डू नॉट ये इंपॉर्टेंट है भाई

As there is a close relation between the rocks and landforms, the rocks and soil, a geographer requires basic knowledge of rocks. theek hai क्या होगा आपका? क्योंकि हम जब rocks की बात करते हैं, rocks का और landform का काफी close relation है। कैसे? क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं रोक की लेथ से रोक में ऐसे कोई मिनरल्स हैं जिनकी स्ट्रिकीनेस काफी ज्यादा है है ठीक एग्जाम्पल मत बता रहा हूं आपको इससे समझना आज यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं थोड़ा सा अभी क्या करना थोड़ा सा आप जो कमेंट कर रहे हो उसको रोक के थोड़ा सा आपने ध्यान देना यहां पे ठीक है नेसेसरी तो कर सकते हो लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा एक बार यहां पे ध्यान देना देखो क्या है मैं सिलिका का एग्जाम्पल आपको यहां समझाना चाहता हूं ठीक है सिलिका से कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है वो देखते हैं यहां पर देखना आप ठीक है ये आपका ओशियन वाला पार्ट ठीक है इंपॉर्टेंट भैया पार्ट है ये है कॉन्टिनेंट और ये है आपका ओशियन ठीक है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है जैसे ही लावा तो यहां भी बाहर निकलता है हमने देखा था लावा तो यहां भी आउटपोर होता है और लावा इस प्लेस पे भी आउटपोर होता है ठीक है लावा यहां पे भी आउटपोर होता है जब लावा यहां से बाहर निकल रहा होता है तो इसने आपको पता है थिकनेस कम की है क्योंकि आपको पता है क्रस्ट तो किलोमीटर तक थिकनेस होती है यहां थिकनेस होती है कितना आपका किलोमीटर तक भी चली जाती है ठीक है ठीक तो मतलब थिकनेस जितनी ट्रेवल की है इसने कम किया और इसने ज्यादा किया है अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसे लावा बाहर आता है ना जितना वो थिकनेस ट्रेवल करता है उतना ही उसमें सिलिका का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है क्योंकि सियाल का बना हुआ अपर पोर्शन है जैसे वो ऊपर आएगा मेल्ट होता रहेगा सिलिका मिक्स होता रहेगा उसमें सिलिका मिक्स होता रहेगा तो मतलब इसमें लेस सिलिका होता है ठीक है इसमें क्या होगा लेस सिलिका इसमें हाई सिलिका क्यों हाई क्योंकि इसने ज्यादा थिकनेस ट्रेवल की हाई सिलिका समझ गए अब आगे सुनो जब इसमें लेसर सिलिका होगा ठीक है इसमें लेसर सिलिका होगा तो सिलिका की एक प्रॉपर्टी होती है सिलिका जितना ज्यादा होता है उतना ही स्टिकनेस हो जाती है मटेरियल में समझ गए ना जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए स्टिकीनेस का क्या मतलब होता है जैसे आप दो एग्जाम्पल समझो एक मेरे पास वाटर बॉटल है दूसरी बॉटल में हनी है दोनों को मैंने ऐसे किया पानी आपको पता है गिरेगा और दूर तक फैल जाएगा हनी नहीं फैलेगा शहद जो है वो नहीं फैलेगा दूर तक अब शहद नहीं फैलने का कारण क्या था क्योंकि स्टिकीनेस ज्यादा थी ठीक है ऐसा यहां होगा जो लावा यहां से निकलेगा ना उसमें आपका स्टिकीनेस ज्यादा होगी अडेसिव प्रॉपर्टी चिपकने वाली ताकत वो ज्यादा होगी यहां पे क्या होगा स्टिकीनेस कम है अडेसिव प्रॉपर्टी कम है इसकी ठीक है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कम है अब अगर इसकी प्रॉपर्टी कम है तो आप मुझे ये बताओ अब बताना है आपको ठीक है कमेंट में आपको बताना है यहां पर ज्यादा फैलेगा लार्ज एरिया किसमें कवर होगा ओशियन पे या कॉन्टिनेंट पे लार्जर एरिया लावा लार्ज एरिया में कॉन्टिनेंट पे फैलेगा या ओशियन पे फैलेगा बताइए लार्ज एरिया में लावा ओशियन पे फैलेगा या कॉन्टिनेंट पे फैलेगा बताइए कमेंट बताइए वेटिंग विस्कोसिटी यस विस्कोसिटी ज्यादा होना मतलब स्टिकीनेस ज्यादा होना स्टिकीनेस ज्यादा होना मतलब क्या होगा लावा ज्यादा नहीं फैल पाएगा ठीक है ली एरियाज में और ज्यादा होगी बिल्कुल ओशियन पे आपका लावा ज्यादा स्प्रेड करेगा क्यों करेगा सिंपल सी बात है ओशियन पे फैलने का मतलब कि यहां पे क्या होता है आपका यहां पे क्या होता है आपका यहां पे आपका सिस्टम ये होता है कि लावा स्टिकी कम होता है ज्यादा एरिया में फैल जाता है बस अब एक चीज और समझ लेना एक चीज अब याद करने वाली आ रही है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको बोलते हैं बसाल्ट बसाल ठीक है इसको बोलते हैं बसाल्ट टाइप का लावा और इसको बोलते हैं एंडिसाइटिक टाइप ऑफ लावा जिसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं एंडिसाइटिक और जो होता है कम उसको बोलते हैं बसाल्टिक ठीक है पर आखिर आपको बिल्कुल सही समझ आया ओशियन ही सही एग्जाम्पल है ओशियन में सिलिका कम है अब सिंपल सा मैं उसको रिवाइज कर देता हूं पूरा कॉन्सेप्ट ओशियन में सिलिका कम है सिलिका कम मतलब स्टिकीनेस कम नेस का मतलब ज्यादा लावा फैलेगा जो ज्यादा लावा फैलता है उसको बसाल्ट कहते हैं और जो कम फैलता है उसको एंडेसाइटिक कहते हैं ठीक है जो कम फैलेगा एंडेसाइटिक होता है अदरवाइज वो बसाल्टिक होता है ठीक है बस ये याद रखना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन की प्रॉबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है काफी सारी स्टेटमेंट इस पर निकलती है ठीक है काफी सारी स्टेटमेंट निकलती है इस पर तो यहां पर क्या होगा यही चीज मुझे यहां समझ आ जाती है कि बसाल्टिक हो सकता है और एंडेसाइटिक हो सकता है ठीक है तो क्या बता रहे थे ये इन्होंने ये यही ये बताया कि रिलेशन बिटवीन द रॉक्स और लैंड फॉर्म्स जो कॉ आ गया अब लैंड फॉर्म और रॉक में रिलेशन आया नहीं आया बिल्कुल रिलेशन आ गया कैसे आया आपने देखा कि अगर वो लावा जो कॉन्टिनेंट पे निकला वो नहीं फैलेगा तो क्या बनेगा वो माउंटेन बना देगा और जो लावा ओशियन सर्फेस पे फैल जाएगा वो तो क्या बनाएगा प्लेन एरिया डेवलप करेगा ना वो माउंटेन थोड़ी बना पाएगा क्योंकि इकट्ठा तो हो ही नहीं रहा वो तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हुआ रॉक से लैंड फॉर्म्स डेवलप होते हैं हमने देखा बिल्कुल डेवलप हो रहे थे मिनरल्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है

मारुति की गाड़ी है। क्यों लाया गया मार्केट में नाम 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 रखा गया Ignis. अब ऐसा रखने की क्या जरूरत थी ऐसा नाम रखने की जरूरत यह थी कि उनको एक्सपेक्टेंसी थी कि मारुति की यह गाड़ी मार्केट में आग लगा देगी सब सेगमेंट को कर देगी अब हुआ क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ठीक है आग कहां लगी मुझे नहीं बताने की जरूरत बट हां उससे क्या मतलब निकलता है उससे मतलब ये निकलता है कि जो चीज हॉट होती है ना हॉट 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 समथिंग इज जो जैसे लावा समावाउट हो रहा है बस वो जैसे ही डिपॉजिट हुआ ना लावा निकला हॉट है डिपॉजिट हो गया बस उसी को सोलिडिफाइंग ऑफ मैग्मा और लावा जो मैग्मा है या लावा है वो सोलिडिफाई जैसे होता है वैसे ही क्या हो जाएगा आपका वो इग्नियस रॉक्स कहलाएंगे इग्निस मतलब फायर होता है ठीक है इसीलिए वो मार्केट में आग लगाने के लिए लॉन्च की थी गाड़ी ठीक है तो क्या हुआ आपका इग्नियस रॉक्स का मतलब होता है मैग्मा और लावा ठीक है तो मैग्मा और लावा जैसे ही आके कूल होगा वैसे जो रॉक्स बनेंगे उनको इग्नियस रॉक्स बोलेंगे अब क्या होगा मान लो लावा बाहर आया कूल डाउन हो गया इग्नियस रॉक्स बन गई अब क्या होगा आपको पता हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रेशर वेदरिंग ये सब तो चलता रहेगा भाई आपका क्या होगा रेनफॉल होगा वेदरिंग हो जाएगी आपकी विंड फ्लो कर रही है फिर से वेदरिंग होगी इरोजन होगा इस तरीके से जब वेदरिंग और इरोजन चलता रहेगा तो जो आपकी इग्नियस इग्नियोक्स है वो कहीं और जाके सेडिमेंट की फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगी जैसे कि आपके हिमालय बने एनी हाउ कैसे भी बन गए लेकिन क्या हुआ अब रिवर आती है बहुत सारा इरोजन लेके आती है डिपोजिट करती रहती है अब ऐसा डिपोजिशन जब चलता रहेगा तो फिर मेरे पास जो रोक्स बनेगी वो सेडिमेंट के डिपोजिशन से ही तो बनी फिर मेरे पास जो रॉक्स बनी वो कैसे बन गई सेडिमेंट के डिपोजिशन तो रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द द रॉक बाय एक्सोजेनियस एक्सोजेनियस फैक्टर्स प्रोसेसेस प्रोसेसेस मतलब एक्स्ट्रा से से बाहर जो हो रहे हैं ना हवा है पानी है सनलाइट है ये सब बाहर से हो रहे हैं इनके जो प्रोसेसेस हैं इनसे जो आपका बना है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं ठीक है इनसे जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएंगी थर्ड मेरे पास आता मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या मतलब होता है अगर अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बीच में अगर कोई आपका रोक आ जाता है तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा चेंज करेगा तो उस केस में मेरे को क्या कहलाएगा वो आपका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा और वो मेटामोर्फिक कहलाएगा तो अगर शॉर्ट में बोलूं तो इग्नियस का मतलब सिंपल सा होगा कि रोक्स जो है वो डायरेक्टली लावा से फॉर्म हुई है वेदरिंग होके सेडिमेंट्स बने उसके डिपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हाई प्रेशर और टेम्परेचर में आ गए तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई ठीक है हाई टेम्परेचर प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई तो ये आपका देख सकते हैं आप ये कुछ इग्नियस रॉक है जैसे स्कोरिया एग्जाम्पल एक 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 हो गया ऑक्सीडियन आपका एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट आपका एग्जाम्पल हो गया मेटामॉर्फिक की बात करूंगा तो आप सॉफ्ट स्टोन है जेनेसिस है एम्फी है सैंडस्टोन्स की रॉक सॉल्ट है सैंडस्टोन है डोलोमाइट है ये सब आपके सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री के एग्जाम्पल है तो इस तरीके से आपके अलग अलग टाइप के रॉक्स जो है वो फॉर्म होते हैं ऑब्वियसली आपकी अलग अलग की वजह से तो इग्नियस रॉक्स पे अगर मैं आता हूं तो रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ द मैग्मा और लावा क्या होगा आपका इग्निस का मतलब होता है लेटिन में फायर ठीक है तो जो फायर है मतलब जो लावा है हाई टेम्परेचर पे आएगा कूल cool डाउन होगा सॉलिडिफाई होकर रॉक्स की फॉर्मेशन करेगा इग्नियस रॉक्स कहलाएंगे ऑलरेडी नो दैट वट मैगमा इज एंड मैगमा इज इन अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न इंट सॉलिड सब्सटांस उसी को इग्नियस रॉक्स बोल देंगे क्यों होता है अपवर्ड मूवमेंट कन्वेक्शन करंट की वजह से कन्वेक्शन करंट की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होता है और उन्हीं की वजह से आपकी रॉक्स फॉर्म होती है प्रोसेस ऑफ कूलिंग और सोलिडिफिकेशन कैन हैपन ऑन द अर्थ क्रस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इग्नियस रॉक्स क्लासिफाइड ऑन द टेक्स्चर ऑब्वियसली टेक्स्र के बेसिस पे उनकी कंडीशन के बेसिस पे कलर के बेसिस पे अलग अलग टाइप की रॉक्स हो सकती हैं ठीक है इसके अलावा जो है हाँ आपका जो कंडीशनिंग ऑफ कूलिंग है ना ये इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना जैसे कि कई बार क्या होता है कुछ लावा ऐसे होते हैं या कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि लावा बाहर निकला और आउट ऑफ द सडन कूल हो गया कई बार ऐसा होता है कि लावा बाहर निकला धीरे धीरे कूल हुआ है तो ये डिपेंड करता है कि लावा जब बाहर निकला है तो कंडीशन ऑफ कूलिंग क्या है सडन कूल cool हुआ है या आपका ग्रेजुअल कूल cool हुआ है तो यहां पे ध्यान देना इफ मटेरियल इज कूल्ड स्लोली अगर वो धीरे धीरे कूल cool हुआ है तो क्या होगा एट ए ग्रेट डेप्थ मिनरल मे बी ऑफ वेरी लार्ज साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जब आपका लावा धीरे धीरे कूल cool डाउन होता है ना तो मिनरल का साइज होता है बड़ा और अगर सडन कूलिंग होती है रिजल्ट इन द स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स तो इसलिए कई बार रोक्स के जो पार्टिकल होते हैं ना रोक्स के पार्टिकल काफी बड़े बड़े भी होते हैं और कई बार रोग के पार्टिकल छोटे छोटे भी होते हैं उसका सिंपल सा रीजन रीजन ये होता है कि अगर स्लोली कूल डाउन हुआ है लावा तो क्या होगा काफी सारे मिनरल्स काफी सारे मिनरल पार्टिकल एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं क्योंकि वो लिक्विड में है और स्लोली कूल डाउन हो रहा था तो काफी सारे पार्टिकल मर्ज हो गए तो बड़ा साइज का स्ट्रक्चर बना आउट ऑफ दी सडन कूल हुआ तो इंडिविजुअल पार्टिकल अपने आप में कूल cool हो जाता है मर्द होने के बजाय इंडिविजुअल पार्टिकल अपने आप में ही कूल cool हो जाएगा तो उसमें क्या होगा फिर आपके स्मॉल पार्टिकल्स बनेंगे इसलिए कूलिंग की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की फिजिकल स्ट्रक्चर आपकी रोक का रहेगा ग्रेनाइट है गैब्रो रॉक्स है बसाल है बसाल्ट है वोल्केनिक ये सब वोल्केनिक्पल दिए हुए हैं आपको इग्नियस रॉक्स के अब इग्नियस के बाद में मेरे पास कौन सी रोक आती है सेडिमेंट्री तो सेडिमेंट्री तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या होगा यहां पे यहां पे होगा ये कि आपका बारिश आई हवा आई ग्लेशियर बेल्ट हुए इन सब से क्या होगा इरोजन हो रहा है फिजिकल एजेंट काम कर रहे हैं इरोजन हो रहा है और आपका सेडिमेंट्स डिपॉजिट होके रॉक्स बन रहे हैं तो वर्ड सेडिमेंट्री का मतलब होता है ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड सेडिमेंटम मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सेटलिंग मतलब कहीं पे जाके सेटल होना जैसे कि रिवर अपने सेडिमेंट लेके आती है कहीं ना कहीं डिपोजिट करेगी तो सेटल ही हो रहे हैं वो ठीक है आमिर खान की एक मूवी थी जिसमें बोलता है कि आप उनको भी अब सेटल होना मांगता है ठीक है तो सटे सेटल होने मांगता मतलब अब स्टेबिलिटी आनी चाहिए स्टेबिलिटी का मतलब जहां पे भी आपकी अनस्टेबल कंडीशन है वहां से जाके कहां पे डिपॉजिट हो जाना जहां पे स्टेबिलिटी डेवलप हो सकती है रॉक्स जैसे कि इग्नियस है सेडिमेंट्री है मेटामोर्फिक ऑफ द अर्थ सर्फेस आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशन एजेंट आपकी किसी भी टाइप की रोक्स है रोक चाहे इग्नियस हो चाहे मेटामॉर्फिक हो चाहे सेडिमेंट्री हो भाई क्या होता है आपके ये एजेंट तो काम करते हैं विंड काम करती है रेनफॉल काम करेगी सनलाइट काम करेगी तो ये कुछ ऐसे एजेंट है जो इनको इरोड करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे ठीक है और इसी को क्या बोलते हैं डिपॉजिट करके आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है ठीक है प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है जब आपके सेडिमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपोजिट होते हैं और फिर आपकी रॉक्स की फॉर्मेशन जो होती है उस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन बोलते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लिथिफिकेशन Sedimentary rokes, the layer of the deposit, retain their characteristics ऑफ इवन आफ्टर लिथिफिकेशन ऑब्वियसली अब करेक्टर तो फिजिकल प्रॉपर्टी से करेक्टर तो चेंज नहीं होता जो केमिकल है वो तो सेम रहेंगे तो मतलब वो लिथिफिकेशन के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं अब तीन टाइप से लिथिफिकेशन होता है मैकेनिकल होता है ऑर्गेनिक होता है और केमिकल होता है मतलब मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया बेसिकली कि आपके फिजिकल फोर्स काम कर रहे हैं ठीक है यहां पे क्या हो रहा है आपका फिजिकल फोर्स काम कर रहे हैं मैकेनिकल का मतलब हवा आई हवा की स्पीड से आपका इरोजन हुआ पानी मूव कर रहा था पानी की स्पीड से आपका इरोजन हुआ तो ये सारे आपके सेडिमेंट्री किसमें होंगे मैकेनिकल में ऑर्गेनिक क्या होता है ऑर्गेनिक में समझे जैसे कि भाई काफी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं काफी सारे एनिमल्स होते, है, होते हैं काफी सारे प्लांट्स होते हैं प्लांट एक जगह पे उगा दिया हमने ग्रो किया रूट्स बढ़े रूट्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे रॉक के पार्टिकल को फ्रेगमेंट करेंगे या नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे ऐसी एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे वो रॉक के पार्टिकल को फ्रेगमेंट करेंगे नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे मतलब यहां पर रोल किसका है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और थर्ड मेरे पास आता है केमिकल केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जब होती है जैसे कि बारिश हुई और एसिड रेन है ये अब एसिड रेन से क्या हुआ रोग के साथ में आपकी केमिकल रिएक्शन हुई केमिकल रिएक्शन होकर रोक रोड हो गई ठीक है तो इस केस में क्या होगा आपका केमिकली ही फॉर्म होंगे तो अलग अलग टाइप के आपके सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं अलग अलग मेथड से क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है भाई यहाँ पे सेडिमेंट्स के लिए इरोजिव फोर्स तो लगी रहा है एक्जोजिनस फोर्स तो लगी रहे हैं ना कहां पे आपका जो आपका डेनिडिएशन के लिए एजेंट है वो तो काम कर ही रहे हैं एक्जोजिनस फोर्सेज तो लगी रहे हैं लेकिन वो फोर्सेज कैसे हैं फिजिकल है ऑर्गेनिक फोर्सेज हैं या फिर आपका केमिकल फोर्सेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है

आपके पास क्या है वाटर है आपने फ्रीज में रखा आपने टेम्परेचर चेंज किया नहीं किया और टेंचर चेंज किया तो आपने उसको आइस में कन्वर्ट कर पाए नहीं कर पाए तो हो गया ना आपका मेटामॉर्फिज्म चेंज चेंज इन फॉर्म फॉर्म हो गई क्वाइट सिंपल अकर्स व्हेन द रॉक्स आर फोर्स डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेस एंड व्हेन व्हेन द मोल्टन लावा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द क्रस्टल रॉक्स और द अंडरलाइंग रॉक्स क्या होता है कई बार लावा बाहर निकल रहा है

मैकेनिकल डिस्टर्ब्शन री ऑफ ओरिजिनल मिनरल्स विद इन दी रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी अप्रोप्रिएट केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज मेटामोर्फिज्म। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती बट ऑल टूगेदर सब कुछ चेंज हो जाता है उसको ही मेटामोर्फिक कहते हैं मेटीरियल ऑफ रॉक केमिकली आफ्टर एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू थर्मल मेटामोज यहां पे क्या होगा फिजिकल फोर्सेस हैं लेकिन अब क्या होगा जैसे टेम्परेचर जब बढ़ाते चले जाएंगे ठीक है तो फिर क्या होगा कई बार रिएक्टिविटी जो ऑर्गेनिजम्स की है वो चेंज हो जाती है मटेरियल की रिएक्टिविटी भी चेंज होती है जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको आपने अपने घर पर खाना बनाया सब्जी बना ली है ठीक है लेट से कोई भी आपकी सब्जी बनी आप उसको फ्रिज से बाहर रखो गर्मी के टाइम पे केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर की वजह से उसकी चेंज हो जाएगी और चेंज होगी तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है फ्रिज में रखोगे टेम्परे

तो क्या हो रहा है एक केस तो क्या हुआ कॉन्टेक्ट का हुआ कॉन्टेक्ट में क्या हुआ है लावा बाहर निकला रो के टच में आया रो की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया ठीक है रॉक की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया दूसरी मेरे पास क्या आती है दूसरा यह हुआ कि प्लेट मूव कर रही थी जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर पड़ा है यहां पे कांटेक्ट कुछ नहीं हुआ लावा का कुछ बाहर नहीं निकला लेकिन क्या हो रहा था बस सिर्फ क्या हो रहा था प्लेट के मूवमेंट की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर लगा और आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई सच अरेंजमेंट ऑफ द मिनरल और ग्रीन इन द इज एज फोलिएशन और ये इंपॉर्टेंट वर्ड अभी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड है फोलिएशन या लिनिएशन तो जो आपका सिस्टम होता है उससे फोलिएशन या लिनिएशन बनता है sometimes minerals or material of different groups arrange, altering thin layer of light and dark shade such structure of the metamorphic rocks is called bending and rocks displaying bending are called as bended rocks kya hota hai aapka ab dekhiye kya hoga jaise jaise lava bahar nikal raha hai आपका rock भी melt होता जा रहा है तो deposition होता चला जाएगा लावा की property let's say कि change हो रही है time के साथ में तो अलग अलग layer की स्ट्रक्चर बन जाएगा ना एक लेयर हो सकता है सिलिका कम हो दूसरी लेयर में ज्यादा हो फिर तीसरी में और कम फिर कम ज्यादा फिर कम ज्यादा आयरन कम है आयरन ज्यादा इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टी की लेयर अगर बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं आपका बैंडेड रॉक्स के नाम से जाना जाता है ठीक है अब एग्जाम्पल है जैसे जियोनाइज है ग्रेनाइट है साइनाइट है स्लेट है सचिस्ट है मार्बल ये से सब आपके सेडिमेंट्री के सॉरी मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल बन जाते हैं ठीक है सर लावा सारा बाहर आ जाए तो इंटीरियर का क्या होगा ये बहुत अच्छा सवाल है आकर अगर सारा लावा बाहर आ जाएगा तो दो प्रोबेबिलिटी होती है एक प्रोबेबिलिटी में यह होगा कि आपकी जो लावा है ठीक है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बंद हो जाएगा इसके बाद में आपका जो कन्वेक्शन है वो खत्म हो जाएगा दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि अगर नीचे लावा सारा बाहर आ गया तो हो सकता है सब कुछ अंदर ही धस जाए ठीक है सब कुछ अंदर की तरफ चला जाएगा जिससे कि अलग लैंडफॉर्म्स डेवलप होंगे ठीक है उनको हम डिस्कस करेंगे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के चैप्टर में सेवंथ चैप्टर है आपका लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का वहां बात करेंगे उसके बारे में फिर ठीक है अब देखिए इससे क्या होता है रोक साइकिल बनती है जैसे आपने देखा ना इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री तो ये क्या है पूरी एक रोक साइकिल बनती है मतलब ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होती हैं डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग टाइम बट दे ट्रांसफॉर्मेशन और साइकिल ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब एक दूसरे में क्या करती है वो इंटरकन्वर्ट होती रहती है ठीक है इग्नियस रोक्स को प्राइमरी रोक बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले वही निकली थी और लावा उन्हीं से बना था तो इसको प्राइमरी रोक बोला अदर रोक्स को सेडिमेंट्री रोक और मेटामोर्फिक रोक्स के नाम से जानते हैं ठीक है तो ये आपकी प्राइमरी रोक्स हो गई है इग्नियस उसके बाद

कॉन्टिनेंट बन गया या आपकी ओशियन uh, सरफेस बना ओशियन सरफेस भी तो सबडक्ट हो रहा था ना ओशियन सरफेस जब सबडक्ट हुआ तो भी तो आपका वॉल्केनिज्म दोबारा से देखने को मिला तो मुझे पता लगता है कि आपके जो इंट्रूजिव या एक्सक्लूसिव रॉक्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं आपका वो मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं वो सेडिमेंट्री में भी सेडिमेंट्री फिर मेटामॉर्फिक में मेटामॉर्फिक इग्नियस में मतलब ये ऑल टूगेदर हर जगह पर आपका क्या होता है आपका साइकिल जो है एग्जिस्ट करता है ऐसा नहीं है कि बस यहां से यहां यहां से यहां होगा ये डायरेक्टली यहां भी हो सकता है ये डायरेक्टली इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और ये यह डायरेक्टली यहां भी कन्वर्ट हो सकता है वो डिपेंड करता है कि क्या प्रॉपर्टीज है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आपका यहां देखो ये यह आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है तो क्या हुआ है लावा बाहर निकला इग्नियस रॉक्स बनी

वो करेंगे तो बेसिकली आप डाउट जो भी हैं आपके कोर्स से रिलेटेड हैं लाइव कोर्स से रिलेटेड हैं यू कैन आस्क नाउ ठीक है यहां देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिटुएंट ऑफ ग्रेनाइट देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप नोट्स जरूर पढ़ेंगे नोट्स जरूर पढ़ेंगे नोट्स पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ठीक है नोट्स पढ़ने के बाद ताकि आपको पता लगे कि आपने कहां गेन किया है कहां पे आपने लूज किया है और कैसे आपको उसको वापस से रिवाइज करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ ग्रेनाइट ग्रेनाइट का पूछा है आयरन निकल है सिलिका है, आयरन सिल्वर है और आयरन ऑक्साइड पोटेशियम है आंसर आपको पता यह, आपको आंसर कहां मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे आपको आंसर मिलेंगे, में आपको इनके मिलेंगे. कौन सा सेलियंट फीचर होता है मेटामॉर्फिक रॉक का लेयर में फोलिएशन होता है क्विट होता है चेंजियबल होता है क्या कैरेक्टर होता है बताना है आपको नेक्स्ट मेरे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंगल एलिमेंट मिनरल्स कौन सा एक सिंगल एलिमेंट मिनरल्स नहीं है मतलब उसके अंदर और भी ज़्यादा होंगे ठीक है विच वन ऑफ द मिनरल सबसे में बताना हार्डेस्ट मिनरल क्या होगा एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक्स इनमें से कौन सी रॉक सेडिमेंट्री रॉक नहीं है ये बताना है आपको ठीक है तो ये आपका एक उस examples बनते हैं जो आपको शो होते हैं ये चीजें कहाँ मिलेंगे आपको कपिल भारद्वाज ऑफिशियल के ऊपर आपको ये चीजें मिल जाएंगे टेलीग्राम पे आप मुझे कर सकते हो, कपिल आपका डाउट है श्रीलंका संभल नहीं रहा है अर्थ जाने चले मतलब क्या कह रहे हैं यार ठीक है दिस इज द कोर्स बेसिकली वो मैंने आपको बता दिया एनी डाउट रिलेटेड टू द कोर्स दैट यू कैन आस्क ठीक है पूछ सकते हैं आप श्रीलंका सांभल नहीं रहा है अर्थ जाने चले देखिए कुछ रोक्स ऐसी है होती है जिनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है कॉमन प्रॉपर्टी होती है इसलिए वो रोक्स दोनों का एग्जाम्पल हो सकती है कॉमन एग्जाम्पल पॉसिबल है ठीक है तो यार यही बताना चाहूंगा मैं कि कपिल लाइव का कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको बेसिकली ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा एटीन ट्रिपल नाइन इलेवंथ जुलाई ज्योग्राफी से हम कोर्स का स्टार्टिंग जो है वो करने वाले हैं ठीक है थीके? तो आपको बेसिकली वहां पे देखने को मिल जाएगा ज्वाइन दी कोर्स सिंपल है आपको जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ भी लाइव क्लासेस जीएस फाउंडेशन की होंगी नाइन नाइन हंड्रेड प्लस आर के क्लासेस होंगी वन ऑन वन मेंटरशिप होगा आंसर राइटिंग प्रोग्राम आएगा प्रलिम्स का टेस्ट होगा एस और कैप होगा ये कैप मॉडल मतलब करंट अफेयर प्रोग्राम है डेली आपको करंट अफेयर मिलेंगे यहाँ पे ठीक है और वो पीडीएफ के फॉर्म में होंगे ऑब्वियसली वो भी आपके टेस्ट में आएंगे ठीक है तो रिविजन बहुत अच्छा होने वाला है आपका ताकि अपने एम को आप आसानी से हाँ हाँ प्रिंट आउट देट इज योर चॉइस योर चॉइस आप प्रिंट आउट लेना चाहे ले सकते हैं ठीक है दैट इज योर चॉइस ठीक है तो ये यहां पे जाएंगे आप ये यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे आप स्टडी आईक्यू के ऊपर जाएंगे स्टडी आईक्यू डॉट कॉम तो यहां पे आपको दिख जाएगा यूपीएससी लाइव कोर्स ठीक है लाइव फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा ठीक है बाय नाउ के ऊपर जाएंगे आप तो आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगे तीन चीजों के ऊपर क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए तीन चीजों में आपको क्या है अप्लाई कूपन कोड करना है कूपन कोड में के ए पी आई एल एल आई वी

बलिंद्रा बलिंद्रा क्या क्वेश्चन था आपका ऊपर के सर मैं मेंटरशिप में एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा बिल्कुल देखो एक तो आपको डेडिकेटेड मेंटरशिप में क्या होगा आपको एक डेडिकेटेड मेंटर तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है मेंटरशिप में आपको क्या मिलने वाला है यहां पे देखें आपको एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा ठीक है जो कि आपके साथ हमेशा रहेगा जब भी आपको उनसे बात करनी है आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं ठीक है आपको डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं ये ग्रुप मेंटरशिप भी होगी मतलब अगर आपको पूरे ग्रुप को जैसे अनिल स्वरूप जी के सेशन भी होंगे आपके साथ मान लो तो आपको, आपको रात को भी ये लगे ना कि दस बजे की मुझे प्रॉब्लम आ रही है आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो ठीक है डायरेक्टली आप उससे बात कर सकते हो और एवरी टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे ठीक है बिल्कुल आपको इंडिविजुअल मेंटर्स मिलेंगे इंडिविजुअल ठीक है और कोई क्वेश्चन जयंत हिंदी मीडियम बिल्कुल हिंदी मीडियम का ख्याल रखा जा रहा है मैंने आपको हिंदी वर्सेस इंग्लिश का एक सेशन लिया उसमें देखना यहां पे देखो किया क्या जा रहा है हिंदी मीडियम की एक अच्छी चीज बता देता हूं मैं मैंने उस दिन भी बोला था आपको हिंदी मीडियम का सिलेक्शन लो क्यों जा रहा है रिसर्च कम हो रहा है उनके नोट्स पे यहां पे क्या किया जाएगा जा जा? जो इंग्लिश मीडियम को नोट्स मिलेंगे ना सेम लैंग्वेज सेम के सेम बेसिकली नोट्स हिंदी में भी मिलेंगे ठीक है सेम के सेम नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे ठीक है ना सेम नोट्स मिलेंगे आपको हिंदी में तो ऐसी दिक्कत ही नहीं है डेडिकेटेड होगा आपके लिए ठीक है तो कपिल लाइव का कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हुए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इलेवन जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी और देखो यार मेरे को सबसे पर्सनली मैं मानता हूं कि मॉर्निंग बैच मुझे सबसे अच्छा लगता है ठीक है कारण उसका क्या होता है इवनिंग में इवनिंग में हमारी काफी सारी कमिटमेंट्स होती हैं कई बार होता है कई कैसी किसी पार्टी में चले गए हैं हो सकता है सुबह से शाम तक टायर्ड हो चुके हैं मार्केट जाने का मन है कहीं कुछ और काम आ गया लेकिन मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है मॉर्निंग के टाइम में हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने घर पर रहते हैं अगर सुबह आपने ढाई तीन घंटे अच्छे से बढ़िया स्टडी कर ली ना तो आपका दिन बहुत बढ़िया हो गया जैसे कहते हैं ना सुबह सुबह दिन की अगर शुरुआत हम नाश्ते को अच्छा करना चाहिए ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए कारण क्या है कारण यही है कि पूरा दिन अच्छा निकलता है बस यही सवाल यहां पे आ जाता है जब आप अच्छी पढ़ाई सुबह सुबह कर लेते हो ना पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया निकलता आप अपने टारगेट की तरफ बहुत अच्छे से पढ़ते हो ठीक है हाँ एक बार में एक ही सब्जेक्ट जैसे अभी ज्योग्राफी है मैंने आपको 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 शेड्यूल दिखाऊं मैं अगर आपको, तो यहां देखिए साफ साफ डेट दी हुई है ठीक है जब तक ज्योग्राफी पूरा हो रहा है तब तक आपको नहीं है थर्टीथ अगस्त को ज्योग्राफी पूरा फोर्टीन से आपका क्या हो रहा है पॉलिटी शुरू हो रहा है ठीक है फोर्टीन से फिर आपका पॉलिटी शुरू ठीक है तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है ये रहा एनरोलमेंट के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो स्टडी आई का कॉन्टेक्ट नंबर है अगर है, आप है तो ये नाइन फाइव एट डबल जीरो फोर एट डबल जीरो फोर ठीक है आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो ये वाला नंबर नहीं लग रहा आप अपना कमेंट सेक्शन में नंबर आप टाइप कीजिए आई विल गेट बैक टू यू ठीक है मैं आपको कॉल करवाता हूँ

यहां भी, भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हंड्रेड परसेंट हम अचीव करेंगे इसको और ये जो मॉडल है ना मतलब पर्सनली मैं बोलता हूं कि मुझे बहुत पसंद है कैसे है क्योंकि मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है रिवीजन देखिए सब स्टूडेंट का कहां पे प्रॉब्लम आती है ठीक है स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके रिवीजन पे अगर हम रिवीजन नहीं कर पाते ना तो हमारे पास एग्जाम देने में प्रॉब्लम आती है बस वहीं पे हमें रिक्वायरमेंट होता है यहां पे और यहां क्या हो रहा है आपका हर वीकेंड टेस्ट हो रहा है फिर आपको एक टेस्ट सीरीज पूरी मिल रही है तो आपका हर एक क्लास में क्या हो रहा है आपका फैकल्टी से आप बात कर रहे हो तो उस में क्या होता है आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाता है और रिवीजन इज द द की फॉर सक्सेस ठीक है यस यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए है बिल्कुल यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए रहेगा ये आपका स्टेट पीसीएस यूपीएससी जो भी हो आपका वो उसमें आपका दोनों इंक्लूड रहेंगे तो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है ये ठीक है एनीथिंग एल्स कोई और आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए चलिए फिर हम सेशन में नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं कल हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे ठीक है ना ओके देन क्वाइट फाइन मेरे ख्याल से सब कुछ मैं बता ही चुका हूं आप आप लोगों को कपिल दैट इज द कोड अप्लाई करेंगे डोंट बाय एक्सपेंसिव यार जब आपको महंगा मिल रहा है तो क्यों महंगा खरीद रहे हो आप जब आपको मिल रहा है अवेलेबिलिटी है तो आप उसको परचेज करो ठीक है एनी हाउ हमें तो करना ही है यस 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 आपके मेंटर्स को हर टाइप की नॉलेज होगी वो यूपीएससी का ग्रिल्ड एक्सपीरियंस होगा उनके साथ में ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा ही बंदा आपको क्योंकि यार आपको गाइड आपने आपको सब्जेक्ट मैटर जो इंटरेस्ट है आपके कोई भी प्रॉब्लम आपकी वो हर चीज रिजॉल्व होगी ठीक है ना हर चीज रिजोल्व होगी चलिए ठीक है फिर मिलते हैं थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट नहीं हिमांशु ये बिल्कुल है आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है आपको दो टाइप के नोट्स मिलने वाले हैं यहां पे वो होंगे आपके हैंड रिटन नोट्स और आपके बेसिकली पूरे बुक की फॉर्म में नोट्स दोनों ही नोट्स आपको मिलेंगे और उसी के फॉर्म में आपको आपको ये देखने को मिलेगा कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ऑन नहीं नहीं करना कोई बुक की जरूरत पड़ेगी आपको नोट सोलो रहेंगे इसके ऊपर नोट्स पे काम करोगे तो सफिशियंट आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा कोई जरूरत एमसीक्यू प्रैक्टिस